नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ में बनारस से विदुषी वर्मा जुड़ गई हैं, एक बाल कलाकार हैं, ये गायिका हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं अपने खास कार्यक्रम संवाद में। बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। मैं S7 न्यूज चैनल को धन्यवाद करती हूँ और मैं S7 न्यूज चैनल की सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। जी अच्छा विदुषी, हमें ये बताइए कि अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है और अब बनारस से आप सीधे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं, आपको बनारस गौरव सम्मान भी मिला है। कुछ सुनाइए हमको, S7 के दर्शकों को कुछ सुनाइए इस सावन के मौके पर। जी बिल्कुल, मैं आप सभी को चमके से मेहरी, चमके से मेहरवा, आए रे बगरिया मेहरवा, आए रे बगरिया गरज गरज मोहे अति डरावे, गरज गरज मोहे अति डरावे, बिजुरी चमके से मेहा, बिजुरी चमके से मेहा, घन गरजे घन बिजुरी चमके, घन गरजे घन बिजुरी चमके, पापी हापी उपी तान सुनावे, पापी हा पीउ पीउ तान सुनावे, का कहू कित जाऊं मोरा जियरा, तर से बिजुरी चमके से मेहा, बिजुरी चमके बरसे मेहर, बिजुरी चमके बरसे मेहर। बहुत बढ़िया। अच्छा विदुषी, आप बहुत ही कम उम्र की हैं और गायकी में आपने एक मुकाम हासिल किया है बनारस में। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पूरे देश में भी अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का रोशन करें नाम। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो गायकी है ये कब से शुरू की आपने और कौन प्रेरणा स्रोत रहा है आपका? पहले तो हमारे घर में कोई एनवायरनमेंट नहीं था म्यूजिक का। मैं ऐसे ही जब मैं छोटी सी थी तो मैं तभी से गाती थी, बस गुनगुनाती थी, कोई शौक नहीं था म्यूजिक का मुझे, बस मैं एज अ हॉबी इसको करती थी। और फिर मेरे पापा वो म्यूजिक को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उन्हें म्यूजिक को सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पापा जब BHU में एज ए स्टूडेंट थे तो वहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते थे, तो वहाँ पे पापा का वर्कशॉप चलता था, तो वहाँ पे जो वर्कशॉप में ढेर सारे म्यूजिशियन आते थे और पापा को वहाँ पे सुनने का मौका मिलता था, तो धीरे धीरे पापा का ऐसे ही शौक बढ़ता गया म्यूजिक में। लेकिन पापा चाहते थे कि मैं पढ़ने में आगे निकलूं, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी होती गई तो फिर स्कूल में मुझे कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें मुझे सर, मेरे जो म्यूजिक के टीचर थे
वो मुझे मुझे चूज करते थे, तो मैं वहां पर स्टेज में गाती थी। तो एक बार मेरे पापा से उन्होंने बोला, मेरे म्यूजिक टीचर ने, कि ये आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, इसको आगे बढ़ाइए। तो फिर पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया, पापा ने कहा तो ऐसे ही तो बोलता है। तो फिर एक बार हमारे घर पंडित अमित त्रिवेदी सर आए, जो कि एक म्यूजिक टीचर है। तो फिर वो हमारे घर पे आए और उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि थोड़ा कुछ गुनगुनाओ तुम। तो मैं ऐसे गुनगुना रही थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा तुम कुछ गाओ, तुम्हारी आवाज तो अच्छी। तो मैंने गाना गाया उनके सामने। तो उन्होंने बोला मेरे पापा से कि ये तो बहुत अच्छा गाती है, तो बहुत गिफ्टेड है, इसको सिखाइए। तो फिर पापा ने मुझे ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर देखा जाए तो कजरी कुछ गीत होते हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उस समय लोग गाते हैं, हमें भी सुनाइए आप एक गीत वो। जी, मैं आप सभी को मिर्जापुरी कजरी सुनाने जा रही हूँ। जी, मुझे मैं जी मैं तेरे लाखुहार हूँ, बदरिया घिरे अली नदी। रे जी मैं तेरे लाखुहार हूँ, बदरिया घिरे अली नदी। घिरी आईली नदी हो, घिरी आईली नदी, घिरी आईली नदी हो, घिरी आईली नदी, बदरिया घिरी आईली नदी। झिमझिम करेला फुहार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। चहोर बैसेला कारी रे बदरिया, चहुर बैसिला कारी रे बदरिया, कारी रे बदरिया हो, कारी रे बदरिया। भिजले चुनरिया हमार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। झिमझिम करेला फुहार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। सनना सनाना नाना बहे पुरवैया, सनना सनाना नाना बहे पुरवैया, बहे पुरवैया हो, बहे पुरवैया। खुली जाला अचरा हमार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। खुली जाला अचरा हमार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। बादुर मोरे कोयलिया बोले, दादुर मोर कोयलिया बोले, कोयलिया बोले हो, कोयलिया बोले। झुरा करेला झनकार रे बदरिया, घिरी आईली नदी। रे मझिम करेला फुहार हो, बदरिया घिरी आईली नदी। रे मझिम करेला फुहार हो, बदरिया घिरी आईली नदी, बदरिया घिरी आईली नदी, बदरिया घिरी आईली नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या सोच है आपके म्यूजिक को लेकर, अभी क्या आपका विजन है, क्या सोचती हैं आपकी, आपको कहाँ तक पहुँचना है?
मुझे म्यूजिक में क्लासिकल फील्ड में अपना नाम बनाना है। मुझे क्लासिकल बहुत पसंद है, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक में आगे बनना चाहती हूँ। चलिए, अच्छा आप बताइए कि कुछ बॉलीवुड से कुछ सॉन्ग सुनाएंगे आप हमको? कुछ सुनाइए। सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा की जैसी चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ वाकई में, आवाज़ में एक जादू है, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। चलिए और भी कुछ सुनाइए, क्योंकि आप गायिका हैं तो और भी आपने कुछ तैयारी की होगी। कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए हमको। आराम से आप अच्छे से सेट कर लीजिए और सेट करके सुनाइए। चलिए बहुत बढ़िया विदुषी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कौन कौन से प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं?
पहले तो मैंने 2019 में ऐसे ही एक बार ट्रायल के लिए मैंने सारेगामापा लिटिल चैंप्स में मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया और मैं वहाँ पे दिल्ली तक पहुंची और मैं टॉप 40 में अपनी जगह नहीं बना पाई। तो फिर मैंने 2020 में सिंगर सुपरस्टार एक आया था, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि अभी आप करिए, आपको मतलब महसूस होगा कि वहाँ पे कैसा क्या होता है। तो मैंने उसमें भी ट्राई किया और मैं वहाँ पे भी दिल्ली तक पहुंची। फिर मैं लास्ट टाइम 2020 में ही मैंने फिर से सारेगामा पारिल चैंप्स में किया, तो मैं टॉप 10 में मैं टॉप 15 में पहुंची, बस मैं मेरा फाइनल में नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं। चलिए अंतिम कोई एक गाना हमें सुना दीजिए, क्योंकि अब बाइंड अप करने का समय आ गया है। कोई एक अंतिम सॉन्ग आप सुनाइए। जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मैं पल कन डगर गुहार तेरी राह निहारूंगा, मैं पल कन डगर तेरी राह निहारूंगा, मेरे पीर का काज तुम अपने नैनों में मने आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जहां पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहां पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मेरे घर रेगा मगरे ससनी तप मारेगा, सगा पमा पा नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें तारे खेलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें के तारे खेलते हैं, लेते हैं विदायक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना,
जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। विदुषी, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप आगे बढ़ें, अपने देश का नाम रोशन करें। और ज़रूर याद रखिए कि S7 को ज़रूर याद रखिएगा, जब आप किसी मुकाम पे पहुँचेगा S7 न्यूज़ चैनल की शुभकामनाओं को याद रखिएगा। भगवान करे आप आगे बढ़ें और गायकी में अपना नाम और शोहरत हासिल करें। धन्यवाद। जी, तो ये थी विदुषी वर्मा, जो सीधे बनारस से लाइव हम लोगों के साथ में जुड़ी थी। संवाद के तहत हमने इनसे खास बातचीत की और हम आपको बता दें कि संवाद का मकसद है आपको जागरूक करना भी और जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आगे बढ़ाना भी। इसी के तहत हमने विदुषी से बात की। ये एक बाल कलाकार हैं, गायिका हैं, जिन्होंने अपनी गायकी के जरिए अपना नाम रोशन किया है। इनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद में होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।